हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्वेंट में एसोसिएशंस या डिसोसिएशंस नेचर शो करते हैं। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नेचर शो करेगा, वहाँ पर जो हम लोग कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित फार्मूला पढ़े थे, पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पर जो है हमारा फार्मूला था पी माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू एक्स ए। दूसरा था आस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी एस टी। तीसरा था एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम। और लास्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नेचर शो करेगा तो ये सभी फार्मूलाज फेल हो जाएगा। उस केस में ये फार्मूला मे टेक द शेप पी माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स ए और पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। इस आई को हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। इस वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम लोग एम सी बाई एम ओ की हेल्प से निकालते हैं, माने कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। इस फार्मूले से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स AlCl3 है, यदि हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो Al+3+3Cl- बनेगा। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले लें तो 0 0, अब ये हो जाएगा C α 3C α C - C α। आई की वैल्यू हो जाएगा C - C α + C α + 3C α whole divided by C। ये कैंसिल हो जाएगा, C कॉमन ले लें 1+3α/C, दैट गिव्स यू आई इज इक्वल टू 1+3α, वेयर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि फार्मूला Al2SO4 whole thrice टाइप का हो तो ऐसे केस में Al के ऊपर +3 चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स 2, प्लस SO4 हैविंग -2 चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स 3। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C हो तो ये 0 0 होगा शुरुआत में, यानी ये लास्ट में हो जाएगा 2C α और ये 3C α और ये बचा C - C α। I की वैल्यू हो जाएगा C - C α + 2C α + 3C α whole divided by C। अब ये हो जाएगा, C को कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो C α और 3C α, माने 1+4α/C, माने I की वैल्यू हो जाएगा 1+4α। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस किसी सेलेक्टेड कंपाउंड्स में निकाल करके जैसा आवश्यक हमारा क्वेश्चंस होता है उसमें रख करके हम लोग डिटर्मिनेशंस की बात करते हैं।